खबर है कि जंग में पुतिन अपनी महिला ब्रिगेड को उतारने की तैयारी में। अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार होगा जब रूस की सेना की तरफ से महिला सैनिक जंग में उतरेंगी और रूस के घातक टैंकों को चलाने का जिम्मा उठाएंगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन एक बार फिर महिला ब्रिगेड को एक्टिव करने का प्लान बना रहे हैं, जिन्हें खासतौर पर रूस के ताकतवर टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जल्द ही यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक टैंकों को भेजने का वादा कर चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इनका मुकाबला करने के लिए रूस को भी टैंकों की भारी भरकम पलटन तैयार करनी होगी, जिन्हें चलाने के लिए उसे सैकड़ों सैनिकों की जरूरत होगी। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस पहले से ही सैनिकों की किल्लत से जूझ रहा है और सैनिकों की यही कमी जेलेंस्की के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए रूस अपनी महिला ब्रिगेड को मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी में है ताकि यूक्रेन में हमले बढ़ाए जा सकें। इधर जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एनआईए की टीमों ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की और इस दौरान पुलवामा और अनंतनाग से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि एनआईए ने उन पर काफी समय से नजर रखी हुई थी, क्योंकि दावा है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ अफवाह फैलाने का भी काम कर रहे थे। उधर तुर्की ने F-16 लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका को चेतावनी दे डाली और दो टूक बोल दिया कि अगर अमेरिका ने उसे ये विमान नहीं दिए तो उसके सामने दूसरे विकल्प खुले हैं, क्योंकि अमेरिका के कुछ सांसदों ने तुर्की और अमेरिका के बीच हुई इस डील को टालने की सलाह दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की पहले स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे। और तुर्की का पारा इसी बात पर चढ़ गया क्योंकि वो F-16 विमानों की डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन अमेरिका की ओर से देर हो रही है, जिसकी वजह से तुर्की के सब्र का बांध टूट गया और उसके रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं। यानी तुर्की ने कह दिया कि अमेरिका नहीं तो कोई और सही। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा रूस की ओर था, जिसके संग 2019 में उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी। और इसी डील के बाद तुर्की और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सौदों पर काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि रूस के संग हुई डील की वजह से तुर्की को अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं मिले, और वो भी तब जब तुर्की अमेरिका को 100 से ज्यादा F-35 विमानों की पेमेंट कर चुका था। लेकिन रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील होते ही वो डील रद्द हो गई। तुर्की को अब तक अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार है। हालांकि तुर्की इस बारे में बार बार बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका से F-16 विमान मिलने में देर होने पर उसके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले 40 F-16 विमानों के जरिए वो अपनी वायुसेना का कायाकल्प करना चाहता है। लेकिन अमेरिका कभी स्वीडन और फिनलैंड की वजह से तो कभी रूस और तुर्की की नजदीकी की वजह से विमानों की डिलीवरी टाल देता है। इस बीच ब्राजील के मनाउस में जमीन खिसकने से कई लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़ने पर वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई, क्योंकि वहां दोबारा जमीन खिसकने का खतरा बना हुआ है। सरकार ने मनाउस को हाई रिस्क वाला इलाका बताया, इसीलिए वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहां एक दिन पहले जमीन खिसकने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और मलबे की चपेट में आने से कई घर भी तबाह हो गए।